गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की स्टूडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमने लास्ट 9 क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ गया, पेयर। पेयर में समझते आप जोड़ा, यानी कि दो इक्वेशन हो जाएगा। वहां पर हमारी क्या थी, सिंगल इक्वेशन होती थी। अब यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशन जिसका रिप्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है, जनरल फॉर्म हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सिंगल है, यहाँ एक्स और वाई आर वेरिएबल। क्या होता है, हमारा एक्स और वाई का है हमारा वेरिएबल, एंड ए बी और सी क्या होते हैं हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट ए एंड बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई और सी कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर पेयर की बात करें तो एक इक्वेशन होगी, यानी कि दूसरी भी क्या होगी हमारी ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन सेम है, इसमें वेरिएबल सेम है होना चाहिए लेकिन कोफिशिएंट अलग अलग, तो यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं ए वन बी वन सी वन और सेकंड इक्वेशन डिपेंड करते हैं ए टू बी टू सी टू। ठीक है, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल एंड ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आर कोफिशिएंट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पर हमारे दो इक्वेशन रहेंगे, फर्स्ट सेकंड। क्लियर? अब देखो इक्वेशन यहाँ पर कुछ इक्वेशन आपको डायरेक्टली दी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी रहेगी जिसको वर्ड प्रॉब्लम में दी रहेगी, जिसको हमको ऐसी सिंपल ऐसी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एक एग्जाम एक क्वेश्चन देते हैं 3.1 का, आप क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, आपको उसको समझना है, उसकी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। ये पहली कंडीशन, पहली क्वेश्चन की कंडीशन क्या था कि हमको कि आफ्ताब उसकी डॉटर से कह रहा है कि 7 years ago यानी कि 7 साल पहले I was 7 times, कितना 7 times यानी कि 7 गुना एज ओल्ड एज यू, मतलब मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। फिर इसमें आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ दैट मीन्स कि अब से 3 साल बाद आई शेल बी थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब अब से 3 साल बाद फ्यूचर की बात हो गई कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। तो यहाँ पर एक दो कंडीशन दे रखे आपको, हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब आपकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको हमेशा दो कंडीशन रहेगी, दो कंडीशन इसलिए रहेगी कि आपको दो इक्वेशन बनाना है इसको। ठीक है, तो देखो तो आपको इस सिचुएशन को एलजेब्रिकल आपको एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमको फाइंड आउट करना है उसी को हमको अज्यूम करना है एज ए वेरिएबल। तो यहाँ पर दो चीज एज की बात हो रही है, जिसकी आपका एंड इज डॉटर, और बात किसकी करें दोनों कंडीशन क्या माने यहाँ पर उसकी प्रेजेंट एज, उन दोनों के आज की प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लिया हमने लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स ईयर and his daughter's age is y। तो जो भी हमको फाइंड आउट करना है हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब देखो यहां पर
अब कंडीशन थोड़ा, ये तो हमारा अजम्पशन हो गया, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल हो गए। अब हमारे कंडीशन की बात करते हैं। सबसे बात पहले बोल रहा है सेवन इयर्स एगो, सेवन इयर्स एगो दैट मीन्स कि सात साल पहले, तो सात साल पहले की दोनों की एज क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी हमको। प्रेजेंट एज क्या है हमारी एक्स और वाई, तो सात साल पहले क्या जाएगी सेवन ईयर दोनों क्या जाएंगे माइनस, तो सेवन ईयर्स एगो एक हो तो आफ्टर की एज क्या जाएगी यहां पर हमारी एक्स माइनस सेवन एंड हिज डॉटर, डॉटर की एज क्या जाएगी यहां पर वाई माइनस सेवन। ठीक है, आफ्टर की एज जाएगी एक्स माइनस सेवन, दोनों की माइनस, दोनों की एज में से हम सेवन ईयर माइनस करेंगे। अब कंडीशन ये तो हो गई सेवन ईयर सेगो की बात। अब यहां पर बोला कि आई वाज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि कौन एक, अब यहां पर दोनों की एज का कंपेरिजन हो रहा है। कंपेरिजन होता है तो हम दोनों को तो जब भी कंपेरिजन करें तो दोनों को एक एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हमने रखा आफ्टर को, एक तरफ रखा हमने डॉटर को। अच्छा, दोनों इक्वल का साइड है, दोनों की एज इक्वल हो सकती है क्या? मैं बोला कि सेवन टाइम्स है, सेवन टाइम्स है तो सेवन टाइम्स से सेवन टाइम्स उसकी डॉटर से, तो सेवन का मल्टीप्लाई आफ्टर में करेंगे कि डॉटर में करेंगे? तो एक बात ध्यान रखिए कि जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा जो भी छोटा रहेगा उसमें करना है, तभी हमारा कंपेरिजन इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारा सेवन आफ्टर ना वाज सेवन टाइम्स इज डॉटर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा एक्स माइनस सेवन इक्वल टू सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन, एक तरफ पहले से सुनो तो एक्स माइनस सेवन वाई माइनस सेवन प्लस फोर्टी नाइन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स हो गया एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है इसमें कि थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ, थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ दैट मीन्स कि तीन साल बाद है ना, तो यहां पर यार आफ्टर थ्री इयर्स, ठीक है, तीन साल बाद की बात करें तो आफ्टर की एज क्या होगी यहां पर, आफ्टर हो जाएगा आपका एक्स प्लस थ्री एंड उसकी डॉटर क्या हो जाएगी, हिज डॉटर हो जाएगी वाई प्लस थ्री, दोनों की एज प्लस होगा। ठीक है, फिर कंडीशन की बात करें वही कंपेरिजन, तो ये जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वाई प्लस थ्री, क्लियर? यहां पर कितना बड़ा है, कितना गुना उससे थ्री टाइम्स, तो देने की तीन गुना, किसमें होगा मैंने आपको पहले बताया जो छोटा होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स प्लस थ्री आपका शेल बी थ्री टाइम्स एज ऑल्ड एज डॉटर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा थ्री वाई प्लस विच इज नाइन, तो एक्स इधर आएगा माइनस का थ्री वाई प्लस थ्री माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ऐसे आपको इक्वेशन फॉर्मेशन भी करना है ना, ये सिंपल क्वेश्चन था आपका, वर्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है, एक एग्जांपल देखा है, क्वेश्चन दे रखा देखा है, आपको समझ में आया होगा।